हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में और साथ ही साथ एक लाइव एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ टू ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस ऑपरेटर को आप ध्यान से देखें, इसका मीनिंग होता है इज इक्वल टू। एग्जांपल को देखते हैं, टू सिक्स के इक्वल नहीं है तो यहाँ हमें फॉल्स मिलेगा। इस ऑपरेटर को ध्यान से देखें, इसका मीनिंग होता है नॉट इक्वल टू। एग्जांपल को देखते हैं, टू सिक्स के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हमें ट्रू मिलेगा। इस ऑपरेटर को ध्यान से देखें, इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन। एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ टू सिक्स से ग्रेटर नहीं है तो यहाँ हमें फॉल्स मिलेगा। इस ऑपरेटर को ध्यान से देखें, इसे लेस देन कहा जाता है। एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ टू सिक्स से लेस है तो यहाँ हमें ट्रू मिलेगा। इस ऑपरेटर को ध्यान से देखें, इसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू कहा जाता है। एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ टू सिक्स से ग्रेटर नहीं है और ना ही इक्वल है तो यहाँ हमें फॉल्स मिलेगा। इस ऑपरेटर को ध्यान से देखें, इसे लेस देन आर इक्वल टू कहा जाता है। इस एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ टू सिक्स से लेस है तो यहाँ हमें ट्रू मिलेगा। अब एक लाइव एग्जांपल बनाकर समझते हैं ताकि आप इन ऑपरेटर्स का सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अच्छे से यूज़ कर पाएँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का और इसका नेम रख रहा हूँ मैं ए और इसके इनसाइड में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10। एक और वेरिएबल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर बी, ये भी इंटीजर टाइप का है और इसके इनसाइड वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 20। अब मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के इनसाइड कंडीशन बनाने के लिए मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इज इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करके आपको बताऊँगा इस तरीके से। अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू रहेगा तो हम आउटपुट प्रिंट करवा देंगे ट्रू, और अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो हम यहाँ आउटपुट प्रिंट करवा देंगे फॉल्स। बहुत आसान है इस तरीके से। तो आप देखिए, यहाँ पर ए में 10 है, बी में 20 है, तो 10 20 के इक्वल नहीं होता है तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स। यहाँ पर हम इसे कंपाइल और रन करके चेक करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आउटपुट मिला है फॉल्स। यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं 10 कर देता हूँ। 10 10 के इक्वल होता है, कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें आउटपुट मिला है ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नॉट इक्वल टू की। ए में 10 है, बी में 10 है, तो आप देख सकते हैं 10 10 के इक्वल है तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आउटपुट मिला है फॉल्स। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर दूँ, तब क्या होगा? ए जो है बी के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए में 10 है, बी में 12 है, और 10 जो है वो 12 के इक्वल नहीं होता है। हम यहाँ पर कंपाइल और रन करके चेक करते हैं, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं लेस देन ऑपरेटर को। इसका मतलब है कि ए में जो वैल्यू है वो बी में रखी हुई वैल्यू से लेस होनी चाहिए। तो 10 12 से लेस होता है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा और हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें आउटपुट मिला है ट्रू। अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ करेंगे।
इसका मतलब है कि ए में रखी हुई वैल्यू बी में रखी हुई वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में 10 है, बी में 12 है, तो 10 12 से ग्रेटर नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स है, एल्स वाला पार्ट चलेगा और हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स। इस तरीके से अब यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ। अब ए में रखी हुई वैल्यू बी में रखी हुई वैल्यू से ग्रेटर है तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ लेस देन आर इक्वल टू। इसका मतलब ये होता है कि ए में रखी हुई वैल्यू बी में रखी हुई वैल्यू से लेस है तब भी ट्रू है और अगर इक्वल है तब भी ट्रू है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो ए में 100 है, बी में 12 है, तो ये ग्रेटर है, तो ना तो ये लेस है ना ही इक्वल है, तो अभी ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आउटपुट मिला फॉल्स। चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ए में 10 है, बी में 12 है, ए में रखी हुई वैल्यू बी में रखी हुई वैल्यू से लेस है, तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू और हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। हम यहाँ पर कंपाइल और रन करके चेक करेंगे, हमें आउटपुट मिला है ट्रू। ओके अब हम यहाँ पर फिर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर 10 कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 जो है 10 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू और हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। हम यहाँ कंपाइल और रन करके चेक करते हैं, आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिला है ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब हम बात करेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑपरेटर की। ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑपरेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ए में रखी हुई वैल्यू बी में रखी हुई वैल्यू से ग्रेटर हो तब भी ट्रू और अगर इक्वल हो तब भी ट्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी ए में रखी हुई वैल्यू बी में रखी हुई वैल्यू के इक्वल हैं, तो अभी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। इस तरीके से और अभी मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, अभी यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि इधर 10 हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा, तो 10 1 से ग्रेटर होता है, तो अभी कंडीशन ट्रू हो जाएगा, हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। ओके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, तो अभी यहाँ 10 है और यहाँ पे 111 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू से लेस है, ना वो ग्रेटर है ना वो इक्वल है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स। आप देख सकते हैं यहाँ हमें आउटपुट मिला है फॉल्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, साथ ही साथ लाइव एग्जांपल के साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।